और सब चला गया। क्या होता, तबीयत खराब हो गई तो? चलो कहाँ तक हो गया था? SN2। अच्छा
तो इसमें क्या हो रहा है? ये ध्यान रखना है जो SN2 रिएक्शंस होता है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शंस, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं रहता है, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, एक ही स्टेप का है ना, तो इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व रहता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है फर्स्ट स्टेप में ही बैक साइड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करने आएगा तो ये कार्बन हाइलोजन्स का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल रिपेल इट, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल का जब भी अटैक करना है तो देन इट विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो ये पहली बात। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ वन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक बड़ा लोब्स और एक छोटा लोब्स, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ ये चीज, एक बड़ा लोब्स और एक छोटा लोब्स। जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो छोटा लोब्स है ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा, और ये जो बड़ा लोब्स है धीरे धीरे ये छोटा होना शुरू करेगा। ये जो लोब्स यहाँ पर है SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, बट ये धीरे धीरे क्या होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट आता है तो ये दोनों लोब्स इक्वल होता हो जाता है, एंड इट बिकम पार्ट ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स का पार्ट बन जाता है। मीन्स यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, यहाँ पर SP3 था क्योंकि ये SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था। जैसे न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक कर रहा है, यहाँ पर आते आते क्या हो गया, दोनों लोब्स इक्वल हो गया एंड इट बिकम पार्ट ऑफ पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, और फिर फाइनली क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से इस पर अटैक कर देगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया इससे, और फिर से ये कार्बन क्या हो गया, SP3 हाइब्रिडाइज हो गया, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो यहाँ पर ओनली आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर ओनली आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर कॉन्फिगेशन आर होगा तो यहाँ पर एस होगा। ये किस किस तरह हो रहा है, इस तरह आप समझ सकते हो, यहाँ पर ऐसे समझो, ये तो समझ रहे होगे कि ये डी ग्रुप है, अंदर अंदर आपका एच है और ये आर है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कुछ सिनारियो है। ये छाता देखो, छाता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का एक ऐसा पोर्शन होता है, और एक मानो कि ये अम्ब्रेला है और यहाँ पर आपका एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर इधर से अटैक कर रहा है, इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इधर से आपका हाइलोजन्स है, ये सिनारियो आ गया। फिर फाइनली क्या हो गया, ये जो छाता है ना धीरे धीरे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, पहले छाता ऐसे था, जब आंधी वगैरह चलता है तो छाता क्या होता है, उलट जाता है, तो यहाँ पर क्या गया, उलट गया और यहाँ पर इधर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल को आने से छाता क्या हो गया, उल्टा हो गया, पहले ऐसा था और यहाँ पर आपका हाइलोजन जुड़ा हुआ था, और वहां पर क्या हो गया, वहां पर जाते जाते ये इस तरह से उलट गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसमें क्या क्या बातें, की पॉइंट ध्यान रखना है आपको, पहला की पॉइंट्स, SN2 इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, SN2 इज ए सिंगल स्टेप स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली ट्रांजिशन स्टेट, इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, दूसरी बात यहां पर है, इसमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर्स है, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर मिल जाएगा तो क्या करेगा, इसको इसके स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा। पेंटावेलेंट
पेंटावेलेंट क्यों? क्योंकि इस कार्बन से टेम्पोरली पांच ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए पेंटावेलेंट बोला। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड कैरी निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, कैरी पार्शियल निगेटिव लिख दो तो अच्छा रहेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज को कम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो रेट होगा इसका, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके आरडीएस में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, टू होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाय मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी टू है, इसलिए बाय आया है और बाय मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चौथा पॉइंट, अगर मैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इट लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। SN1 में क्या था, इट लीड्स टू रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन्स इंटरमीडिएट नहीं है, इसमें कोई किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्या यहाँ पर फिल बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट कौन ला, ये वाला, इसमें लिख लेना अगला पॉइंट एक और, रीअरेंजमेंट विल नॉट ऑकर। जैसे SN1 में रीअरेंजमेंट होता था, SN2 में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट विल नॉट ऑकर। चलो ये लिख लिए, फिर उसके बाद इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। क्या सिंगल स्टेप में क्या सीखा आपने, अगर ये अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल, यही आप इसका आरडीएस है, यही स्लो स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से जाकर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को निकालता है, एक ही बार। बीच में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट आता है इस तरह का, ये ट्रांजिशन स्टेट, यहां से यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट आया और फाइनली क्या पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर यहां पर जुड़ जाता है, यही हो रहा है। मीन्स ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, बट SN1 रिएक्शंस दैट कंप्लीटेड इन टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन्स एंड सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
मीन्स इसका अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस और ये रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, एक ही बात है, रिएक्शंस कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, पहले क्या था, आर एक्स था और न्यूक्लियोफाइल था, फिर क्या हुआ, ये आपका प्रोडक्ट दैट इज एन यू आर, और ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक ही पीक आया, ये बता रहा है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है। जितना ज्यादा पीक आएगा उतना स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट होगा। जैसे पिछले वाला में देखा गया तो दो तरह दो पीक आया था, यहां पर एक ही आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एस एन टू रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शंस। पहला फैक्टर्स डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तीसरा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, चौथा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक एक करके डिस्कस करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ आर एक्स, अल्फा ब्रांचिंग, इफ अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शन डिक्रीजेस, उस केस में एस एन वन रिएक्शन के केस में अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा था तो एस एन वन का रेट इंक्रीज हो रहा था, बट यहां पर डिक्रीज हो रहा है। यहां पर ध्यान रखना है, जितना लीस्ट क्राउडेड ये आर होगा उतना ही फास्टर बैक साइड से अटैक होगा। तो जितना लीस्ट क्राउडेड फास्टर एस एन टू, इसमें यही ध्यान रखना है, क्योंकि जितना फास्टर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उतना ही फास्टर आपका रिएक्शंस होगा। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, लीस्ट क्राउडेड फास्टर एस एन टू, जितना लीस्ट क्राउडेड होगा फास्टर एस एन टू होगा। देखो अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो एस एन टू का रेट क्या आएगा बताओ, डिक्रीज होगा। इस केस में बोला जाता है टर्सरी के केस में कभी एस एन टू नहीं होता है, नो एस एन टू इन केस ऑफ टर्सरी, क्योंकि यहां पर इस कार्बन पर अटैक करने इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही पॉसिबल नहीं है,
बैक साइड से कैसे अटैक करेगा, इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया। तो नो SN2 इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 का रेट फास्टर होगा। तो यहां पर क्या याद रखना है, SN2 का जो रेट होता है, ये चीज ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में फास्टर होता है, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, और फिर पहले, इसके पहले तो आएगा ना मिथाइल हैलाइड। मीन्स यहां पर ऑर्डर क्या होता है, 123 का ऑर्डर होता है, जितना लिस्ट क्राउडिंग होगा फास्टर SN2 होगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इफ बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस, SN1 के केस में इंक्रीज करता था, यहां पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगा। अगर क्राउडिंग मोर होगा तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कैसे करेगा, SN1 रिएक्शन, हाँ उसमें SN1 रिएक्शन फास्टर होता था, बट यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगा SN2 का रेट घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि क्योंकि ये बल्की ग्रुप होने से इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करने का टेंडेंसी घट जाएगा। अगर अटैक ही नहीं कर पा जाएगा तो SN2 रिएक्शन कैसे होगा, तो यहां पर लिख दिया क्राउडिंग ज्यादा होगा और न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इस केस में SN2 का रेट कम होगा, यहां पर रिलेटिवली SN2 का रेट फास्टर होगा। समझ गए ना, ये बीटा मीन्स क्या, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर अभी ब्रांचिंग हो रहा है, तो अभी SN2 का रेट क्या होगा, ऐसा कुछ, दिस इज द रेट ऑफ SN2, उस केस में SN1 के केस में बोला था इसमें फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता था, क्योंकि रिलीफ फ्रॉम द क्राउडिंग इज मोर, उसमें बताया गया था। चलो ये हो गया, फिर उसके बाद अल्फा अनसैचुरेशन डिक्रीजेज SN2 रेट, SN1 रेट को भी घटा रहा था, SN2 रेट को भी डिक्रीज करेगा। ये क्यों डिक्रीज करता है, ये यहां पर रेजोनेंस के कारण, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड PDCH,
आपको पता है एक्चुअली यहां पर रेजोनेंस होगा चार सिंगल बोन चार, ये कुछ ऐसा है, यहां पर पार्शियल डबल बोन कैरेक्टर्स आ गया है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गया है तो इस बॉन्ड को तोड़ना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है तो यहां पर SN2 नहीं होगा, यहां पर आएगा बट ये बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा क्योंकि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हाइलोजेंस भी निकलता है, तो ये बॉन्ड रेजोनेंस के कारण रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गया है, इसलिए यहां पर SN2 का रेट घट जाएगा। SN1 में क्या बोला था कि ये जो विनाइलिक केटायंस बनाता था जो कि रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक करने का टेंडेंसी नहीं के बराबर होगा, इस केस में आसानी से हो जाएगा, इसलिए बोला गया कि दिस इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट बीटा ब्रांचिंग, बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज SN2 रेट। क्या? अच्छा बीटा अनसैचुरेशन, हाँ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन इंक्रीजेज SN2 रेट। ये बीटा पोजिशन पर अनसैचुरेशन है, तो ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, और आपको लिखाया गया है SN2 रिएक्शंस में जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं दैट कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस विल बी फास्टर, लिखा गया है ना कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है दैट कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस क्या होगा, फास्टर होगा। तो लिख लिए, उसके बाद आगे आज तो बहुत पढ़ लिए होंगे ना, 5-6 घंटा से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो वहां पर ही बताया गया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रेट, फिर से लिख लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रेट, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पहले फर्स्ट टाइम से देख रहा है कि सब्सट्रेट पर शुरू से ही अटैक करना शुरू कर देता है, बट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस कार्बोकेटायंस का बनने का इंतजार करता था फिर उसके बाद अटैक करता था, बट यहां पर क्या होता है फर्स्ट स्टेप से ही सब्सट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और साथ ही साथ आपका लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलता है, तो जरूर इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है। थर्ड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो आप देख रहे हो
इसके आरडीएस में भी लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स करता है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रेट। SN1 रेट को भी बढ़ाता था क्योंकि उसके आरडीएस में भी लिविंग ग्रुप का डिपार्ट होता था। यहां पर भी SN2 रिएक्शन फास्टर होगा क्योंकि इसके भी आरडीएस में लिविंग ग्रुप निकलता है। इसलिए अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर बताइए, ये RX है, RI है, RBR है, RCL है, तो इन सब में रेट किसका फास्टर होगा? RI, क्योंकि I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। चौथा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रेट। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रेट, पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रेट। पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल बताया था, जैसे DMF, DMA, DMSO, इसी तरह और भी बहुत सारा नाम बताया था, तो ये सब ध्यान रखना है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन्स, डाइमिथाइल इथर्स, दीज ऑल आर द पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट विल नॉट फर्निश H+ आयंस। तो ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल्स है, अगर इसका रिएक्शन NaSH से कराएं, NaSH ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग SH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहां पर नीचे लिखा रहेगा DMSO, DMSO ये सॉल्वेंट बता रहा है कि ये रिएक्शन कैसा है, SN2 रिएक्शन है। तो क्या करना है, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा बैक साइड से अटैक करेगा, इसको निकालेगा, यही होगा फाइनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, दैट इज CH3SH। अगर इसका रिएक्शन मैं NaOH से कराया और ये DMA लिख दिया, तो ये रिएजेंट देखकर आपको समझ में आना चाहिए ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वाटर इज एन वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर देखो SN1 कराओ तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, जाएगा बैक साइड से अटैक करेगा, इसको निकालेगा, यही काम होगा। मीन्स यहां पर प्रोडक्ट बनाना है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये क्या मिला आपको, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला, ऐसे छोड़ी।
इसमें प्रोडक्ट बनाओ। मीन्स ऊपर वाला रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा? SN2, और नीचे वाला रिएक्शन SN1। तो SN2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और नीचे वाला SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। कहाँ पर जोड़ना है? वहां पर हो गया। क्यों वहां पर होगा? उसको वहीं पर पसंद है ना वो। एक प्रोडक्ट तो पीछे से देख के लिख दी। अच्छा, नया कॉपी है वो। कैसे लिखी, कैसे बनाई हो प्रोडक्ट? अच्छा, सुबह करवाए थे, सुबह वाला याद है? कर ली। चल देखो, इस केस में क्या करना है, पहले कार्बोकेटाइन्स बनाना है। कार्बोकेटाइन बना दिए, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्राइमरी पर है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, अगर ये प्लस यहाँ पर चला जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर क्या करे, वाटर आकर यहीं पर अटैक कर देगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर अटैक करना मतलब OH आकर जुड़ेगा यहाँ। ये तो सुबह ही बताए थे। इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, अटैक करेगा, हो गया प्रोडक्ट लिखा गया। तो यही ये इस क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये बेसिकली SN2 रिएक्शन है और ये बेसिकली क्या है, SN1 रिएक्शन है। वो कैसे पता लगा? रिएजेंट देखकर पता लगा। यहाँ पर है कुछ हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अभी लिख लो हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है कुछ हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन और दूसरा है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शंस में क्या होता है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये एक्स मेनली आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है। इसका रिएक्शंस हम स्वार्ट्स रिएक्शन ना, अच्छा, इसका रिएक्शंस मेनली हम AGF के प्रेजेंस में कराते हैं, AGF। तो यहां पर मेनली स्वार्ट्स रिएक्शंस में क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, AgX, मींस X यहां पर Cl और Br।
तो ये नेम रिएक्शन ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं स्वार्ट रिएक्शन। ये अल्काइल फ्लोराइड, ये क्या है, दिस वन इज अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड बनाने का तरीका है। यहां पर मेनली क्या देख रहे हो, हाइलोजन का एक्सचेंज है, पहले क्लोराइड जुड़ा था बट हाइलोजन क्लोराइड एक्सचेंज होकर फ्लोराइड आ गया, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। और दूसरा ध्यान रखना है, दैट इज फिंकेलस्टीन रिएक्शंस, फिंकेलस्टीन, फिंकेलस्टीन रिएक्शंस। फिंकेलस्टीन रिएक्शंस इसमें भी क्या है, अल्काइल हैलाइड, यहां पर एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शंस हम फिंकेलस्टीन रिएक्शंस में क्या बनाते हैं, आयोडाइड बनाया जाता है। इसका रिएक्शंस NaI, NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में कराया जाता है। ये सब रिएक्शंस आपको याद रखना है, जैसे ये स्वार्ट्स रिएक्शन एक बार जेई मेंस पूछ चुके हैं, तो इसी तरह मीन्स अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछते हैं, याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो इसको रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा और साथ ही साथ NaX बनेगा। फिंकेलस्टीन रिएक्शंस में अल्काइल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्स रिएक्शंस में अल्काइल फ्लोराइड बनता है। उसी तरह देखिए SN2 ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का SN2 रिएक्शन, SN2 ऑफ अल्कोहल, पहला है रिएक्शंस विथ विथ PX3 PX5 विथ अल्कोहल, ये मेनली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो दोनों रिएक्शंस आपको याद रखना है, अल्कोहल का रिएक्शंस अगर हम PX3 से करा दे, PX3 से करा दे और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल का 3 मोल लेते हैं हम लोग, और ये क्या है इधर PX3 ऐसे करोगे, ये पी फिर तो चेंज हो जाएगा, हाँ चलो PX3 है ये, तो क्या करो इसको ऐसे मिला दो, थ्री मोल ऑफ RX मिल गया और फिर क्या, फॉस्फोरस के साथ OH, फॉस्फोरस के साथ OH, फॉस्फोरस के साथ OH, तो POH3 या फॉस्फोरिक एसिड, इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगर आप यही अल्कोहल का रिएक्शंस आप PX5 के साथ कराओगे, PX5 के साथ, तो ये क्या बनता है,
एक तो बनता है अल्काइल हैलाइड, आरएक्स बनता है प्लस, एचएक्स बनता है प्लस, पीओएच3 बनता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी याद करने का टेक्निक्स है। देखो स्लाइस कटिंग करो इस तरह से, ये ऑक्सीजन भी कट गया। इस तरह से स्लाइस कटिंग क्या होगा, एक प्रोडक्ट आरएक्स, एक प्रोडक्ट एचएक्स और बीच वाला पीएक्स3, और यहां पर इसका देखो वैलेंसी दो होगा ना, पी डबल बॉन्ड हो जाएगा, दो बॉन्ड था ना यहाँ पर, तो पी डबल बॉन्ड हो पीओएक्स3, एक्स3 तो है ही, मीन्स ये सब सब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अगर अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन तो इस केस में भी प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्काइल क्लोराइड सॉरी, प्लस SOCl2 प्लस पिरिडीनियम सॉल्ट बनता है। ये पिरिडीन था, ये पिरिडीन ऐसा ना पिरिडीन होता है, ये पिरिडीन था। कैसे इसमें ध्यान रखोगे, ये है इसका अल्कोहल और ये SOCl2 है, यहां पर भी स्लाइस कटिंग कीजिए, स्लाइस कटिंग। एक प्रोडक्ट आरएक्स, दूसरा प्रोडक्ट एचएक्स, अच्छा यहां पर भी एचएक्स, आरएक्स, हाँ एचसीएल, एक प्रोडक्ट छूट गया यहाँ पर, सॉरी यहां पर एचसीएल लिख लेना, आरएक्स, आरसीएल, एचसीएल, और फिर क्या यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन यहाँ पर दो वैलेंसी के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ SO2, और वो सॉल्ट एक बनता है पिरिडीनियम, ये पिरिडीनियम क्लोराइड। तो ये तीनों रिएक्शंस मेनली SN2 रिएक्शंस फॉलो करते हैं। अगर अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कराए थे तो किस HX के साथ कराए थे, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया था, अल्कोहल का आसुबाई कराए थे, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ HX के साथ, तो कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। अल्कोहल का रिएक्शंस या तो आप PX3, PX5 या SOCl2 के प्रेजेंस में कराओगे, दैट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, मींस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होगा, इसमें कोई भी बिना रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बनाओगे, बट अगर HX के प्रेजेंस में कराएंगे तो यू हैव टू डू द रीअरेंजमेंट, उसके बाद आगे। SN2 ऑफ ईथर, वहां पर ही रूल लिखा दिया गया था, रूल याद होगा तो बताओ, SN2 ऑफ ईथर टर्सरी हो गया तो SN1 मैकेनिज्म, अगर नन ऑफ देम आर टर्सरी then SN
टू मैकेनिज्म, फिर से लिख देता हूं, इफ एनी ऑफ आर एंड आर डैश आर टर्शियरी SN1 mechanisms, if none of R and R dash R tertiary SN2 mechanisms, जैसे ये questions, अगर इसका reaction हम HI के साथ करा दे तो यहां पर कौन सा मैकेनिज्म्स SN2 मैकेनिज्म्स, यू हैव टू फॉलो SN2 मैकेनिज्म एज नन ऑफ देम आर टर्शियरी। तो यहां पर बताओ SN2 रिएक्शंस यहां पर फास्टर होगा या यहां पर फास्टर होगा? सबसे पहला क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले प्रोटोनेशन, क्योंकि ये इतना इथर इतना इनर्ट होता है रिएक्शन शो ही नहीं करता है, तो इसको सबसे पहले प्रोटोनेट कराना पड़ता है। प्रोटोनेट कैसे होगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर प्रोटोनेट होगा। ये प्रोटोनेट हो गया। अब बताओ ये जो आई माइनस है, आई माइनस किस पर अटैक करे? SN2 रिएक्शंस के लिए क्या होता है, एक ही साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलता है। तो अभी बताओ आई माइनस को यहां पर अटैक करना इजी है या यहां पर अटैक करना इजी है? इधर क्या बोला गया? लिस्ट क्राउडिंग SN2 रिएक्शंस को फेवर करते। तो कहां पर क्राउडिंग कम है, इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास? लेफ्ट साइड कार्बन के साथ। तो यहां पर लिस्ट क्राउडिंग है, इसलिए SN2 यहां पर होगा और ऐसे भी, और ये बाहर निकल जाएगा। क्या प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनली? CH3I हो जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल। अब प्रोडक्ट बनाओ, ये भी तो इथर ही है ना। क्या करे अब, किधर अटैक करेगा? हाँ वो तो सही सोचा, अटैक करवाओ तो खोलो उसको, बॉन्ड को खोलो। ये खुल जाएगा, ये पहले तो प्रोटोनेट कराओ। कहाँ अटैक करेगा? चलो वो तो सोच सही है, अच्छा सा अटैक करेगा, बॉन्ड खोल दो, मीन्स एक ही प्रोडक्ट एक ही में बन जाएगा। फिर उधर CH3 उधर आई, इधर अटैक करवा रहे तो उधर कहाँ गए? अच्छा तुम्हारा तो प्रोडक्ट देखने लायक है, एग्जीबिशंस में जाएगा। अपने आप प्लस भी आ गया उसके ऊपर। देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन करा दिए, फिर उसके बाद देखो इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर, जिधर कम क्राउडिंग होगा उधर ही अटैक होगा। तो कम क्राउडिंग इधर है तो आई माइनस आएगा और बैक साइड से इधर अटैक करेगा, अटैक करने से ये बॉन्ड खुल जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट होगा?
यहां से जुड़ गया क्या आई, और यहां पर देखो हो गया, प्रोडक्ट बन गया। कुछ इसमें अलग था जो बता रहे थे वही था। क्या? अच्छा, उसके बाद लिखे हैं यहां पर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, इथर को बनाने का मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, इथर बनाने का मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। तो क्या होता है, ये है आपका अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे। पहले एसिड बेस रिएक्शंस होता है, क्या होगा एसिड बेस रिएक्शंस यहां पर बताओ। चलिए अल्कोहल ले लिया, हाँ अल्कोहल एनएच के साथ रिएक्शंस, सबसे पहले क्या करेगा, ये ओएच माइनस, ये एच प्लस को लेकर चला जाएगा, ये बेस है ना, एच प्लस को लेकर वाटर निकल जाएगा, क्या हुआ एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ये एसिड बेस रिएक्शन क्या बनाएगा आर, जब ये एच प्लस चला गया ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, और फिर इसके बगल में इसको स्टेबलाइज करने के लिए एन ए प्लस रहेगा और प्लस वाटर रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड आयन, सोडियम अल्कोक्साइड आर ओ माइनस एन ए प्लस को सोडियम और आर ओ माइनस को अल्कोक्साइड आयन बोला जाता है। अब ये क्या होता है, देखो अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम अल्कोक्साइड से कराएं, सोडियम अल्कोक्साइड से कराएं, तो टिपिकल ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये सोडियम अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड को बैक साइड से अटैक करेगा, इसे बैक साइड से अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना, और फाइनली क्या बना लेगा, देखो आर ओ आर डैश ओ, ऐसे यही बना लेगा, बना लेगा नहीं, क्या बना, इथर बना, ये इथर बना, ये इथर का बनाने का मेथड है, और ये टिपिकल SN2 रिएक्शंस हो रहा है। तो मेनली आपको याद क्या रखना है, ये तो मैकेनिज्म बता दिया, अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, ये टिपिकल SN2 रिएक्शंस होता है और ये इथर फॉर्म होता है, ये चीज आपको अभी से ध्यान रखना है। टाइम हो गया क्या है, इसको देख लो, दो तीन एग्जाम्पल देख लो, नहीं तो अगले क्लास में दूसरा चीज से पढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक से। तो ये आप पर डिपेंड करता है, एग्जाम्पल देखना चाहते हो या दूसरा टॉपिक से पढ़ना चाहते हो।
ये बताओ कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड पर SN2 रिएक्शन नहीं होता है। अब ये काम है, कॉपी देखकर बताओ मुझे SN2 रिएक्शन कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड पर नहीं होता है। हाँ एक बिल्कुल सही बोल लिया आपने कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड पर SN2 नहीं होता है। और बताओ क्या क्या आई INF ग्रुप का वहां पर कहाँ बोला कि SN2 नहीं होता है। मैं बोला कि SN2 रिएक्शंस कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड पर नहीं होता है। अगर आपका विनाइलिक हैलाइड है तो कभी SN2 ना तो SN1 होता है ना तो SN2 होता है। अगर आपका एराइल हैलाइड है तो भी SN2 नहीं होगा एराइल हैलाइड में। क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि वहां पर PDCH आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएगा। एक जगह आओ, अगर आपका बेंजा ब्रिजहेड कार्बन पर हाइलोजन जुड़ा हुआ है तो भी आपका SN2 नहीं होगा। क्यों SN2 नहीं होगा कोई बताओ? SP2 नहीं होने से क्या हुआ? बोलना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शंस का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है बाइपिरामिडल ट्रांजिशन रिएक्शन नहीं होगा। हाँ SN2 रिएक्शंस का क्या मैं बोल रहा था, SN2 रिएक्शंस जो बेंजाइलिक आपको क्या ब्रिज हेड कार्बन से, ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो SN1 रिएक्शंस होता है ना तो SN2 रिएक्शंस होता है। SN1 रिएक्शंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस ब्रिज हेड कार्बन पर प्लस चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। प्लस चार्ज क्रिएट करोगे SP2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। SN2 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर हाँ हाँ बता रहा एक हूँ, लिख कर बताऊंगा बिल्कुल। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो आर डैश है, आर डैश कैनोट बी इसी रिएक्शंस में, ये जो आर डैश है क्योंकि यहीं पर SN2 आकर होना है तो आर डैश क्या क्या नहीं हो सकता है। आर डैश तो एक आपने बोला कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, यहां पर SN2 नहीं होगा। दूसरा दूसरा और क्या नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, यहां पर भी SN2 नहीं होता है क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, इसलिए यहां पर SN2 नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। और कहां पर नहीं होता है? यहां पर भी SN2 नहीं होगा, यहां पर भी PDCH आ गया है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं तोड़ सकते हो। एक जगह और नहीं हो सकता है, कहां? ब्रिज हेड कार्बन पर। ये ब्रिज हेड कार्बन पर, ये कार्बन ब्रिज हेड रूल, एक आपको ब्रेड्स रूल बताए थे, ब्रेड्स रूल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग दिस कार्बन कैन नॉट बी SP2 हाइब्रिडाइज, मींस इस कार्बन पर ना तो प्लस चार्ज आ सकता है ना तो फ्री बॉन्ड आ सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, फ्री रेडिकल आ सकता है, और ना तो डबल बॉन्ड आ सकता है। और आपको पता है कि SN1 रिएक्शंस में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो यहां पर प्लस चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है, तो इस पर ना तो SN1 होता है, SN2 भी नहीं होता है। क्यों SN2 नहीं होता है? क्योंकि SN2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसका ट्रांजिशन स्टेट एक SP2 हाइब्रिडाइज बनता है। अगर याद हो SP2 हाइब्रिडाइज दोनों लोब्स इक्वल होता है, पी ऑर्बिटल्स में चला जाता है। अगर ये SP ट्रांजिशन स्टेट SP2 हाइब्रिडाइज होगा दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इन सब जगह SN2 रिएक्शंस नहीं होता है। चलो हो गया। अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल कराता हूं, आपको बताना है
ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा करते हैं। क्या पूछा करते हैं, देखो इसे एक प्रोडक्ट लिख दिया, अब इसको बनाने का हम दो मेथड आपको बता रहे हैं, ए मेथड बी मेथड। एक मेथड है कि इधर वाला पार्ट को हम अल्काइल हैलाइड बना लिए और उधर वाला पार्ट को हम अल्कोक्साइड बना लिए, एक दूसरा मेथड है इधर वाला पार्ट को अल्काइल हैलाइड बना लिए और इधर वाला पार्ट को अल्कोक्साइड बना लिए, और हम आपसे पूछे कि कौन सा मेथड विच इज ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ईथर, तो क्या बोलते हैं आप, ए या बी? ए वाई बी वाई ए, क्योंकि ये जो बिलियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है ये इट इज टिपिकली SN2 रिएक्शंस, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये तो आसानी से जाएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ फास्टर SN2 होगा, बट क्या ये चीज संभव है ये जाएगा और इस पर अटैक करके SN2 करेगा, बताओ? नहीं। तो इसलिए तो वो बताया जा रहा था कि ये सब केटाइंस, ये सब अल्काइल हैलाइड अगर बना तो SN2 नहीं कराना है, ये यही बन रहा था ना, तो SN2 हमने नहीं करवाया, समझ रहे हो? जैसे एक और, अगर ये जो किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो ये इससे समझे, इसका दो मेथड ए और बी, एक है लेफ्ट वाला का अल्कोक्साइड बना लिए और राइट वाला का हाइलाइट बना लिए, दूसरा मेथड है लेफ्ट वाला का हाइलाइट बना लिए और राइट वाला का अल्कोक्साइड बना लिए, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सही मेथड है, ऊपर वाला, क्यों नीचे वाला नहीं? हाँ, यहां पर SN2 होगा ही नहीं तो ये आकर कैसे अटैक करेगा, यहां पर SN2 होता ही नहीं है, समझ रहे हो ये चीज, और यहां पर फास्टर SN2 हो जाएगा, ये प्राइमरी है, प्राइमरी पर SN2 फास्टर होता है, तो इसमें दिस इज ए गुड मेथड, उस मेथड से हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, नीचे वाला मेथड से नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको एनिसोल बनाना है, एनिसोल बनाना है तो आप ही बताओ, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल, मींस आपको अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड आयन बताना है कि किससे हम एनिसोल बनाएं, हम क्या करते थे, दो दो पार्ट कैसे लिखते थे, एक पार्ट को अल्काइल हैलाइड बना देते थे और दूसरा को अल्कोक्साइड बना देते थे, अल्काइल हैलाइड CH3X होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, और दूसरा फिनोक्साइड आयन हो जाएगा, करेक्ट मेथड क्या यही होगा, बिल्कुल सही सोचना है, और दूसरा CH3Br या CH3CH3X, यही करेक्ट मेथड है। अगर कोई चाहेगा कि इस मेथड से बनाए, दूसरा को हम इसको हम कर देते हैं अल्काइल ब्रोमाइड और इसको कर देते हैं फिनोक्साइड, तो क्या है इससे ये ए मेथड ये बी मेथड, क्या बी मेथड से वो बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि
ये चीज यहां पर अटैक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। चलो तो अब समझ में आ गया है, आज के लिए इतना ही यहीं पर रोक देते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा लेकिन वो रवाना करना, लेकिन वो